राजधानी लखनऊ से आज पहला काफिला हज यात्रा के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि इस साल उत्तर प्रदेश में हज यात्रा के लिए कुल 26,686 आवेदन हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में हज यात्रा में कोटा लगभग 30,000 है। ऐसे में कम आवेदनों के चलते इस बार सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका मिल रहा है। आज हज हाउस से पहला काफिला हज यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद, हज कमेटी चेयरमैन मोहसिन रजा, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हज हाउस से बस द्वारा यात्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर जहाज से आगे की यात्रा तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस साल 25,000 से ज़्यादा लोग हज यात्रा करने वाले हैं, जिसमें 14,240 महिलाएँ और 12,540 पुरुष शामिल हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुरादाबाद से हज यात्रा पर जाने वालों की संख्या है। वहीं दूसरे नंबर पर लखनऊ है, जहां से 1,411 लोग हज यात्रा पर जाएंगे, जिसमें 730 पुरुष और 681 महिलाएं शामिल हैं। वहीं पूरे प्रदेश में ललितपुर और चित्रकूट से सबसे कम 15-15 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 13,000 यात्री हज यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे।